Chicos, I'm Ankita Lunawat and welcome to my YouTube channel, The Learning Medico. आज के General Microbiological Lecture में हम देखेंगे Staphylococcus aureus. हमें bacteria जब पूछा जाता है exam में तो हमें क्या-क्या लिखना चाहिए? पहले तो हमें उसकी morphology लिखनी है, फिर culture media लिखना है, वो कैसे grow होता है, उसका resistance लिखना है, फिर what kind of toxins does it prepares? फिर its pathogenicity मतलब वो कौन से diseases cause करता है, then its lab diagnosis वो जो disease cause करता है उसका lab diagnosis हम कैसे कर सकते हैं, and finally the treatment. So if we go in this sequence, examiner को भी पता चलेगा कि हाँ यार इन्हें bacteria आ रहा है, student को bacteria आ रहा है, तो हम sequence में ही prefer करते. So let's start with the morphology. Morphology, it is a gram-positive bacteria. उसका diameter है 1 micrometer और वो arrange कैसे होता है? वो grape-like structure में arrange होता है. वो non-motile है, non-sporing है और non-capsulated है. 3N, N3 याद रखो, non-sporing, non-capsulated and non-motile. Next, वो aerobic होते हैं and facultative anaerobes. aerobes मतलब आपको पता है उन्हें oxygen चाहिए रहता, and facultative anaerobes मतलब जब ऐसी condition आ जाती जहाँ पर उन्हें oxygen नहीं मिलेगा, तब ऐसे conditions में वो जो organisms है या फिर bacteria है वो anaerobes behave करते हैं ताकि वो survive कर सके. Next, its resistance. वो resistant है lysozymes को और सेंसिटिव है लाइसोस्टाफिन को. मैंने कहा था कि कुछ टर्म्स ऐसी है जो माइक्रो में आपको याद ही करनी पड़ेगी. इट्स नथिंग टू एक्सप्लेन इन दैट. नेक्स्ट, इट इज द कल्चर मीडिया. कल्चर मीडिया का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने सारे कल्चर मीडिया इन डिटेल बताए हैं. यहाँ पर जब आप बैक्टीरिया को लिखते हो तो आपको पर्टिकुलर उस बैक्टीरिया में क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो दूसरे इसमें नहीं दिखाई देता तो वो लिखना पड़ेगा. सो फर्स्ट, इट ग्रोज इन एन ऑर्डिनरी मीडिया विच इज द सॉलिड मीडिया. वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर होता है ग्रो, जैसे 10 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. और मैंने जैसे कहा था वो एरोब्स है एंड फैकल्टेटिव एनएरोब्स भी. सो सॉलिड मीडिया में वो कहाँ कहाँ ग्रो होगा? न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार एंड मैकॉन्कीज अगार. न्यूट्रिएंट अगार में उसको 24 आवर्स लगेंगे कॉलोनीज फॉर्म करने को, और उसके बाद वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? वो लार्ज होगा, सर्कुलर होगा, क्योंकि वो कोकाई है इसलिए वो सर्कुलर होगा, कॉन्वेक्स होगा, स्मूथ होगा, शाइनी एंड ओपेक. और ब्लड अगार कॉलोनी सिमिलर होगी न्यूट्रिएंट अगार से, क्योंकि जब हम न्यूट्रिएंट अगार में ब्लड डालते हैं तो वो बन जाता है ब्लड अगार. इसलिए अभी हमने ब्लड डाला है तो हमें हीमोलाइसिस बहुत मार्क्ड दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा हीमोलाइसिस. और मैकॉन्कीज अगार पर भी सिमिलर कॉलोनीज होती है फॉर्म. नेक्स्ट, इट इज द लिक्विड मीडियम. लिक्विड मीडियम यूनिफॉर्म टर्बिडिटी दिखाता है. मैंने वो वीडियो में कहा था कि जो लिक्विड मीडियम है हमें उस पर जो मॉर्फोलॉजी है प्रॉपर वो दिखाई नहीं देती, पर जब लार्ज क्वांटिटी में टेस्टिंग होती है जैसे कि एंटीबॉडीज की टेस्टिंग होती है या फिर कोई वैक्सीन आनी उनकी टेस्टिंग होती है तो वहाँ पर लार्ज क्वांटिटीज में बनता है, तो वहाँ पर लिक्विड मीडियम यूज होता है, पर हमें मॉर्फोलॉजी पता नहीं चलेगी. सो नेक्स्ट, इट इज द सिलेक्टिव मीडिया. इट इज यूज फॉर आइसोलेटिंग स्टेफेलोकोकस ऑरियस इन स्पेसिमेंस सच एज फीसेस. फीसेस में सिर्फ स्टेफेलोकोकस ऑरियस नहीं मिल सकता, हमें और भी बैक्टीरियाज होते हैं, इसलिए हमें सिलेक्टिव मीडिया लगता है जो कि दूसरे इसकी ग्रोथ स्टॉप कर दे, और हमें जो बैक्टीरिया अभी हमें कौन सा चाहिए, हमें स्टेफेलोकोकस ऑरियस चाहिए, तो वो उसकी ग्रोथ स्टिम्यूलेट करेगा, इसलिए हमें चाहिए यहाँ पर सिलेक्टिव मीडिया भी यूज करते. सो नेक्स्ट आर द टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स कौन से? 4 main toxins विच इज द साइटोलाइटिक टॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एंड द एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो.
So what is that cytolytic toxins? वो five types of toxins prepare करता है. Four are the hemolysins and one is the leukocyanin. Four hemolysin कौन से? Alpha, beta, gamma and delta. ऐसे four hemolysin और एक leukocyanin बनाता है. और four toxins है वैसे cytotoxin, enterotoxin, exfoliative toxin and the important one is the toxic shock syndrome toxin. ये अक्सर पूछा जाता है 5 या फिर 10 marks को. So next is the pathogenicity. Pathogenicity में ये two types of diseases cause कर सकता है. एक तो infection cause करेगा या फिर intoxication. इन्फेक्शन कैसे होगा? जो कोकाई है वो डैमेज स्किन या फिर म्यूकोजल साइट को इन्वेड करेंगे, होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म को ब्रेक करेंगे और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेंगे. और इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है, हमने अभी देखा कि फोर टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं. फोर टॉक्सिन्स होते हैं स्टैफिलोकोकस ऑरियस के, तो उससे वो बैक्टीरियल टॉक्सिन से वो इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को. नेक्स्ट, स्टेफेलोकोकल डिजीजेस क्या है, वो क्या क्या डिजीजेस कॉज करता है? वो मेनली पायोजेनिक इन्फेक्शन. पायोजेनिक मतलब पर्स फॉर्मिंग, वहाँ पे बहुत सप्यूरेशन होता है, बहुत पर्स हो जाता है. सो मेन स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शंस, पहले हम क्या देखेंगे, इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस क्या है? विंड इन्फेक्शन हो सकता है, कार्बनकल्स हो सकते हैं, इम्पेटिगो, सेल्यूलाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, आइटिस आ रहा है, इन्फ्लेमेशन. आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन आ गया. टॉन्सिलाइटिस और एब्सेस मतलब पर्स हो जाना. सो दीज वर द स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शंस. एंड कॉमन टॉक्सिन मीडिएटर स्टेफेलोकोकल डिजीज कौन से है? फूड पॉइजनिंग, इट इज वेरी कॉमन इन स्टेफेलोकोकस ऑरियस. टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एंड द स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लैब डायग्नोसिस. पेशेंट आया है, उसका लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पहले तो अगर डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ लेजन, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है, उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है, क्या प्रॉब्लम है. अगर उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो हम स्पूटम लेंगे, उसका स्पूटम इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. और अगर उसे कहाँ पर पर्स फॉर्म हो गया है स्किन पर, कहाँ पर कहीं पर तो पर्स फॉर्म हो गया है जैसे कार्बन कल्स में होता है, तो वहाँ पर हम उसका पर्स लेंगे फॉर सेपरेटिव लेजन्स. फूड पॉइजनिंग के केसेस में हम पेशेंट के फीसिस लेंगे एंड द रिमेन्स ऑफ द सस्पेक्टेड फूड पार्टिकल्स, मतलब इसे सस्पेक्ट हो सकता है हाँ इसने यहाँ पर खाना खाया था और उसके बाद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो ऐसे केसेस में हम सस्पेक्टेड फूड भी लेते हैं. माइक्रोस्कोपी. सो माइक्रोस्कोपिक में स्कोपी में क्या होता है, जो पर्स होता है वहाँ पर तो एक ही होगा, एक ही बैक्टीरिया होगा स्टेफेलोकोकस ऑरियस, वहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरियाज नहीं होंगे, इसलिए हम माइक्रोस्कोप के नीचे वो बैक्टीरिया को देख सकते हैं, उसे हम स्टडी कर सकते हैं वहाँ पर. सो पर्स केस में हो जाए, पर फीसेस वगैरह के केसेस में हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते और आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट होता है. कल्चर में हमने जो कल्चर मीडिया में लिखे पॉइंट्स, आप वही लिख लो, सेम पॉइंट्स यू कैन कॉपी दैट. आइडेंटिफिकेशन में बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं हम, उसमें कोएगुलेस टेस्ट वो पॉजिटिव होती है, कैटलेज वो भी पॉजिटिव, एमआर एंड वीपी टेस्ट वो भी पॉजिटिव होती है, और जो इंडोल है वो नेगेटिव टेस्ट होती है. एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, इट इज़ परफॉर्म टू गाइड द ट्रीटमेंट, मतलब वो क्या है वो बैक्टीरिया की ससेप्टिबिलिटी, वो टेस्ट करते हैं हम, ताकि हम पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें. नेक्स्ट इज द सीरोलॉजिकल टेस्ट, इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ हिडन डीप इन्फेक्शन. अगर जो पेशेंट है उसे कुछ डीप इन्फेक्शन था, तो हमें वो आइडेंटिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट होती है सीरोलॉजिकल टेस्ट. नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर टेस्ट, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द स्प्रेड ऑफ स्ट्रेन्स ड्यूरिंग ससेप्टेबल आउटब्रेक्स. मॉलिक्यूलर टेस्ट जैसे आउटब्रेक होता है, जैसे हमारा अभी कोरोना का आउटब्रेक हुआ, फॉर एक्सेप्शन वो वायरस है, ये हम बैक्टीरिया स्टडी कर रहे हैं. सो मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं इन केसेस.
नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द ट्रीटमेंट. आप ये जो ट्रीटमेंट है कि मेडिसिन के नाम ही याद कर लो. अभी इस स्टेज पर आपको 2-3 मेडिसिन आना जरूरी है, विच इज द बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन एंड वैंकोमाइसिन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल. इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको. Please do subscribe to my channel, The Learning Medico, and click on the bell icon to get all the notifications.